नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन क्या रिहाई के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ, या यूं कहें कि सरकार द्वारा जो जेल मैनुअल में नियमों का बदलाव किया गया है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक PIL दायर किया गया है, एक याचिका दायर की गई और कहा गया है कि आनंद मोहन की रिहाई का जो फैसला है वो गलत है। और क्या कुछ हाईकोर्ट में इसको लेकर और कहा गया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो PIL दायर करने वाले हैं उन्होंने साफ इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता जो है, जो सरकार द्वारा साफ किया गया, जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, दरअसल रिहाई के बाद भी आनंद मोहन की मुश्किलें कम नहीं होंगी। अमर ज्योति नाम के एक व्यक्ति द्वारा गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जेल नियमावली में हुए बदलाव के खिलाफ बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई, जनहित याचिका दायर की गई और याचिका में जेल नियमावली में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या को हटाए जाने के संबंध में आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। देखिए, पटना हाईकोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है इस PIL में वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका अमर ज्योति की ओर से अधिवक्ता अलका वर्मा ने दायर किया है और याचिका में कहा गया है कि ये अधिसूचना कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाला है, ये संशोधन ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवकों और आम जनता के मनोबल को गिराने वाला है। और तरलिया ही बात IAS एसोसिएशन ने भी सरकार से कही है। कल ही हमने आपको खबर बताई थी कि IAS एसोसिएशन ने भी कहा है कि देखिए, जो लोक सेवक होते हैं उनके मनोबल को डाउन करने वाला यह फैसला है और आनंद मोहन की रिहाई का जो है उन्होंने भी खिलाफत किया और कह दिया कि सरकार अपने इस फैसले पर विचार करे। लेकिन अब हाईकोर्ट में इसे लेकर PIL दायर किया गया है, याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि आनंद मोहन की रिहाई का जो फैसला है उस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए, उसे निरस्त करना चाहिए। और जो आरोप है वो गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया हत्या का मामला है और उसी के आरोप में आनंद मोहन जेल की सजा काट रहे थे। 14 सालों तक उन्होंने सजा काटी है और उसके बाद जो है अब उनके रिहाई का रास्ता जबकि साफ हुआ और आज ही, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सुबह सुबह ही आनंद मोहन जेल से रिहा भी हो गए। कहा यह जा रहा था कि वो लाव लश्कर के साथ अपनी रिहाई कराएंगे, ये भी कहा जा रहा था कि रोड शो होने वाला है, मेगा शो होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद इसलिए कि विवादों से बचने के लिए ऐसा किया गया हो। लेकिन अब आनंद मोहन जबकि रिहा हो चुके हैं फिर भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जाया गया है, अमर ज्योति नाम के शख्स ने यह PIL दायर करवाया है और इस याचिका में कई सारे आरोप लगाए गए हैं, कई सारी बातें की गई हैं। जो जेल मैनुअल नियमों में बदलाव किया गया था उसे लेकर भी कई सारी बातें कही गई। तो देखना होगा कि आनंद मोहन अब जेल से रिहा तो हो गए हैं लेकिन मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है, घिरते कितने हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार इसे लेकर कितना घिरती है, क्योंकि विपक्ष जो बीजेपी में है वो दबी जुबान से ही सही जरूर इसका खिलाफत कर रहा है। और यह कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा अब कि 14 सालों से आनंद मोहन जब निर्दोष थे तो उन्हें क्यों रखा गया, क्यों आखिर सरकार इस तरह के काम करती रही और क्यों सरकार ने पहले रिहा नहीं कर दिया, यह तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस पर भी निगाहें बनाने की जरूरत है, निगाहें रखने की जरूरत है कि क्या हाईकोर्ट इस पर फैसला देता है, कब सुनवाई होती है और क्या कुछ इसमें नया निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।